हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल अंक्षा ट्यूटोरियल सो गाइस आज मैंने ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक क्रिएट किया है आप सभी के लिए इस लुक को आप डे टाइम फंक्शन में भी कैरी कर सकते हैं लिपस्टिक चाहे तो थोड़ा थो थो लाइट रख सकते हैं नाइट टाइम के लिए भी ये लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कॉलेज गोइंग गर्ल है मैरिड वुमेन है सभी लड़कियाँ आप कह सकते हैं इस लुक को कैरी कर सकती हैं और ये जो ड्रेस वगैरह इन सब का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ज्वेलरी मीसो की है और ड्रेस जो है मैंने बिलबुल ऐप से लिया है चलिए देखते हैं इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है सिंपल और बहुत ब्यूटीफुल लुक है सबसे पहले मैंने यहाँ अपने फेस को मॉइस्चराइज़ किया है गाइज क्योंकि आप सबको पता है कि विंटर्स चल रहे हैं तो मेकअप के लिए सबसे स्टार्टिंग में आपको मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है तो मैंने यहाँ पे रूप मंत्रा की कोल्ड क्रीम यूज़ की है आप कोई सी भी कोल्ड क्रीम जो आपकी फेवरेट हो यूज़ कर सकते हैं ये वाली भी ले सकते हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है और नेक वगैरह सभी जगहों पर अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लीजिएगा ताकि जो भी फाउंडेशन वगैरह है वो आपके फेस पर फ्लॉलेस लग सके अच्छे से सेट हो जाए शेडो वगैरह विंटर्स में जब भी मेकअप करें पहले अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर ले तो मेकअप और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपका फेस बहुत ग्लोई लगेगा तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़ कर लिया है अपने फेस को अच्छे से देन मैं पहले अपने आईलेट्स पे कंसीलर अप्लाई करूँगी और कंसीलर के लिए आज मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर जी हाँ और क्योंकि पहले हम आईज़ का मेकअप करेंगे तो आई को लगा फिर हाथों से ही ब्लेंड कर लेंगे आई मीन कंसीलर को मैंने हाथों से ब्लेंड किया है सॉरी गाइस तो कुछ इस तरह से क्योंकि जो भी पिगमेंटेशन वगैरह मेरी आईलेट्स पे हैं उससे आई शेडो अच्छे से नहीं दिखेगा तो इसलिए मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है देन पहले मैं कंसीलर को सेट करूँगी क्योंकि क्रीम क्रीमी कंसीलर है तो आई शेडो लग नहीं पाएगा तो मैंने यहाँ पे मेब्लिन की फिटमी कॉम्पैक्ट यूज़ की है अच्छे से आप कह सकते हैं कंसीलर को सेट करने के लिए आईलेट्स पर बस उसके बाद ये जो आप कह सकते हैं थोड़ा सा कॉपरिश शेड है उसे लेकर आप कह सकते हैं कि डैप डैप करके क्रीज़ एरिया पे पहले अप्लाई करेंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे जी हाँ क्रीज लाइन ड्रॉ करना सबसे पहला स्टेप होता है शेडो में और क्रीज का जो कलर होता है वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा लाइट होता है जो मेन कलर आप अप्ला, अप्लाई कर रहे हैं उससे और जिस तरह का कलर आप अपने एलिट्स पे अप्लाई करना चाहते हैं वैसा ही कुछ क्रीज एरिया पे जो उसके साथ अच्छे से मैच करे उस तरह का कलर आप अप्लाई कर सकते हैं तो अच्छे से ब्लेंड करेंगे दोनों ही आईज पे और गाइज यहाँ पर मेरी क्लिप थोड़ी डिलीट हो गई थी तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ एक ब्लू कलर जो मेरे कुर्ते से मैच कर रहा था उसे मैंने अपनी आईलेट्स पर अप्लाई किया है पहले क्रीज़ को अच्छे से ब्लेंड कर लिया था फिर अच्छे से ब्लू कलर अप्लाई कर लिया और फिर से मैंने दोनों ही चीज़ों को ब्लेंड किया है मतलब दोनों कलर्स को अच्छे से ताकि दोनों पे के पास जो हार्स लाइन बनती है वो ना लगे अच्छे से ब्लेंड लगे दोनों ही आई अपने आप में तो इस तरह से करके आपको ब्लेंड करना है जो आई शेडो आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई करके एंड देन फिर से मैं ब्लू कलर थोड़ा सा और अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा लाइट हो गया था ब्लेंडिंग की वजह से तो मैंने फिर से यहाँ पर ब्लू कलर अप्लाई किया है आई शेडो आप अपनी आउटफिट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और जैसा भी चाहे पहन सकते हैं देन अब फेस का मेकअप स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि विंटर्स है तो सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सीरम और सीरम के लिए मैंने यहाँ पे लिया है गुड वाइफ्स की विटामिन सी एंड बी थ्री फेस सीरम इसे स्किन ग्लो करती है बहुत ही अच्छा सीरम है तो पहले मैंने इसे अप्लाई कर लिया है मॉइस्चराइज़र के बाद ताकि अच्छे से मेकअप अच्छा जो है वो काफ़ी अच्छा लगे मतलब लुक अच्छा है तो यहाँ पर मैंने सीरम अप्लाई कर लिया है अच्छे से आप भी कोई भी सीरम चाहें तो या फेसियल ऑयल भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से जी हाँ और देन हम अब फाउंडेशन अप्लाई करेंगे और फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आप कह सकते हैं स्विस ब्यूटी की हाई कवरेज फाउंडेशन और इसमें जो मेरा शेड है वो है जीरो फोर नेचुरल न्यूड ये वाटर प्रूफ फाउंडेशन है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई भी है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं ऑयली है तो भी यूज़ कर सकते हैं तो फिंगर टिप से पहले पूरे फेस पर और नेक पर अप्लाई कर लेंगे और फिर अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी वीडियो थोड़ी स्पीड में है गाइस तो आपको इतनी स्पीड में नहीं करना है मेकअप थोड़ा स्लो होता है मैं आपको बता दूं बट यहाँ पे तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने धीरे धीरे करने का छोड़ के वीडियो को थोड़ा आप कह सकते हैं स्पीड में करके दिखाया है तो अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लीजिएगा अच्छे से आपने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ किया हुआ है तो लुक ऑलरेडी अच्छा आ जाएगा देन फिर से कंसीलर अप्लाई करेंगे हम वेट एंड वाइल्ड का अंडर आई एरिया पे या फिर पिंपल्स वगैरह के दाग हैं कहीं पे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लिप्स के आसपास ब्रिज ऑफ द न्योज़ पर आप पे कर सकते हैं इस तरह से आप जहाँ जहाँ आपको लगे कि लाइट वगैरह आपके फेस पर आने वाली है वहाँ पर और फोरहेड हेड पर भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से आप कंसीलर को भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे आप देख सकते हैं कंसीलर वगैरह अप्लाई करने का आई मेकअप हमारा बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है बस कुछ स्टेप्स बाकी हैं तो पहले हम कंसीलर को ब्लेंड कर लेंगे फिर स्टेप्स फॉलो करेंगे अब मैंने लिया है गाइज़ आप कह सकते हैं मेबलिन की कोलोसिल काजल और इसे आई की तरह मैं अपर आईलेट पर अप्लाई कर रही हूँ मतलब अपर लेस लाइन पर हल्के हाथों से करना है कुछ भी मोटर ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने ब्लू कलर का शेडो लगाया हुआ है तो वो ज़्यादा अच्छे से पॉपअप हो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो हल्के हाथों से आपको इस तरह से बस फिनिशिंग देनी है देन लोअर लेस लाइन पर भी आपको पतली सी लाइन ड्रॉ करनी है कुछ मोटा नहीं करना है विंग में नहीं निकालना है बस पतली सी लाइन काजल की ड्रॉ कर लेनी है ज़्यादा नहीं देन हम जो आई शेडो ब्लू कलर का लगाया है हमने आईलिड्स पे वही आई शेडो तो यहाँ ब्रस पर लेके एक बार अच्छे से लाइनर की तरह लोअर लेस लाइन पर अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से ताकि कुछ जो लुक है वो अच्छे से मैनेज हो सके मैच करे आपकी आईलिड्स का लुक और लोअर लेस लाइन का लुक तो इसलिए मैंने सेम कलर ही लिया है कुछ इस तरह से और देख सकते हैं कितना खूबसूरत आई मेकअप हुआ है हमारा और बहुत कम समय में आप इस तरह का ब्यूटीफुल मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं जो देखने में लगेगा कि आपने बहुत टाइम दिया है बट ऐसा कुछ नहीं है अब हम अप्लाई करेंगे मस्कारा और मस्कारा के लिए मैंने लिया है एसेंस का आई लव एक्सट्रीम मस्कारा और ये भी बहुत ही अच्छा मस्कारा है वाटरप्रूफ तो नहीं है गाइज और ये समर सीजन भी नहीं है तो मैंने यहाँ पे वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं लगाया है आप चाहें तो आप वाटर प्रूफ मस्करा भी अप्लाई कर सकते हैं टोटली आपके ऊपर है चाहे तो फॉल्सीज भी अप्लाई कर सकते हैं बट मैं उतना फॉलसीज अप्लाई नहीं करती हूँ मतलब कुछ बहुत बड़ा ओकेज़न हो तभी फॉल्सीज़ मेरे अकॉर्डिंग अप्लाई करनी चाहिए जैसे वेडिंग वगैरह हो गई आपकी या फिर कुछ उस तरह का तो मैंने यहाँ पे मस्करा अप्लाई कर लिया है नेक्स्ट हम लेंगे पैलेट और अपने फेस को ब्राउन्जप करेंगे तो पैलेट है फेसेस कनाडा का अल्टीमेट प्रो फेस पैलेट और इसे मैं अपने फेस को ब्राउन्जप करूँगी इससे थोड़ा ज़्यादा ब्राउजर्ड लग गया था तो इसे हम बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से मैनेज कर लेंगे कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक अच्छा सा लाइन हम ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा जो फेस है वो थोड़ा शार्प लगे और फेस पे थोड़ा कलर ऐड हो कुछ इस तरह से लोअर आप कह सकते हैं चीन के पास भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अब हम अप्लाई करेंगे ब्लश और इसमें तीनों ही चीज़ें मिलती हैं आपको हाईलाइटर ब्लश और ब्राउन्ज़र बट इसका हाईलाइटर मुझे उतना पसंद नहीं है गाइस तो हाईलाइटर मैं दूसरा अप्लाई करूँगी बट ब्लश मैंने यही वाला अप्लाई किया और इस पैलेट का जो शेड नंबर है वो इस पर मैंशन नहीं है तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी शायद इसका एक ही शेड आता है इसलिए और नेक्स्ट हम लेंगे हाइलाइटर और हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वेटन वाइल्ड की हाइलाइटर है ये प्रीसियस पेटल्स इस शेड का नाम है आइज़ के कॉर्नर में लगाएंगे ताकि आइज थोड़ी हमारी ओपन अप लगे ब्रिच ऑफ दी नोज़ पर अप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है गाइस सभी को ये बहुत पसंद आता है ब्रोबोन को भी हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल पार्टी मेकअप है बिल्कुल सिंपली आप अगर कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो ट्राई कर सकते हैं ब्राउन शेड लेकर अपने आईब्रोज को फिल कर लेंगे ये मैं भूल गई थी आप कोई भी मेकअप कर रहे हो आपको अलग से आईब्रो पाउडर की जरूरत नहीं पड़ती है आई पैलेट में आपको बहुत सारे कलर्स ग्रे कलर डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन या ब्लैक मिल जाते हैं जो आपके आईब्रो से मैच करते हैं नेक्स्ट मैं यहाँ अपने फेस पे हाई अप्लाई करूँगी यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया के पास और आप आप कह सकते हैं कि अपने चिक्स के पास इन सभी जगहों पे आपको हर अप्लाई कर लेना है लास्ट स्टेप है गाइज लिपस्टिक और लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक ली है शेड नंबर है रेड सैनड्रींस करके जो श्रेड था वो वाला वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी आप चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं टोटली आपके ऊपर है बहुत ही अच्छा श्रेड है और इस सूट के साथ ये अच्छा भी लग रहा था तो बस इतने ही स्टेप्स हैं गाइस और हमारा मेकअप लुक यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट बिंदी लगा ली ज्वेलरी वगैरह पहन ली है और ये कुर्ता सेट बहुत ही ब्यूटीफुल है जरूर ट्राई करिएगा इस मेकअप को वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा आई होप ये मेकअप लुक आपको पसंद आया होगा ये है मेरा ओवरऑल मेकअप लुक मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's life.